मनीषा रानी का नाम ही बहुत बड़ा फेक है, जो बिग बॉस के घर में वो कर रही हैं वो सारी चीज़ें फेक है, एक्चुअली वो रियल है नहीं। और उन्होंने, मनीषा रानी जो अभी भी मीडिया के सामने बोलती हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरे फैंस ने ही बताया, तो मैं बोलना चाहता हूँ मनीषा रानी से कि वो भी बताओ ना तुम बिग बॉस में कैसे गई हो। मैं मनीषा रानी से बोलना चाहता हूँ वो भी बताओ तुम कपिल शर्मा में कैसे गई हो, या फिर मैं सबके सामने रिवील करूँ जो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग से। तो मनीषा रानी एक बहुत बड़ी फेक लड़की है और जितने लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके सामने सच्चाई आना चाहिए, इसीलिए आज मैं सामने आया हूँ। और जब मैंने सच्चाई सामने लाने की कोशिश करी तो मनीषा रानी की टीम ने, उनके लॉयर ने मेरे ऊपर प्रेशर, मेंटली मुझे बहुत हरेस करने की कोशिश करी है। 10 करोड़ का 10 CR का मेरे ऊपर डिफेमेशन केस अभी लगा दिया है उन्होंने, मानहानि का केस लगा दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ। इतना बड़ा अमाउंट, 10 CR बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो मैं कहाँ से लाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बहुत सी प्रॉब्लम से मैं अभी जूझ रहा हूँ। देखिए, बहुत, मनीषा रानी का नाम ही बहुत बड़ा फेक है, जो बिग बॉस के घर में वो कर रही हैं वो सारी चीज़ें फेक है, एक्चुअली वो रियल है नहीं। और उन्होंने, मनीषा रानी जो अभी भी मीडिया के सामने बोलती हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरे फैंस ने ही बताया, तो मैं बोलना चाहता हूँ मनीषा रानी से कि वो भी बताओ ना तुम बिग बॉस में कैसे गई हो। मैं मनीषा रानी से बोलना चाहता हूँ वो भी बताओ तुम कपिल शर्मा में कैसे गई हो, या फिर मैं सबके सामने रिवील करूँ जो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है। तो मनीषा रानी एक बहुत बड़ी फेक लड़की है और जितने लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके सामने सच्चाई आना चाहिए, इसीलिए आज मैं सामने आया हूँ। और जब मैंने सच्चाई सामने लाने की कोशिश करी तो मनीषा रानी की टीम ने, उनके लॉयर ने मेरे ऊपर प्रेशर, मेंटली मुझे बहुत हरेस करने की कोशिश करी है। 10 करोड़ का 10 CR का मेरे ऊपर डिफेमेशन केस अभी लगा दिया है उन्होंने, मानहानि का केस लगा दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ। इतना बड़ा अमाउंट, 10 CR बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो मैं कहाँ से लाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बहुत सी प्रॉब्लम से मैं अभी जूझ रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपका एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें मनीषा रानी की फ्रेंड, आपके साथ में एक लड़की दिखी जो मनीषा रानी की फ्रेंड कह रही है, डीजे डोली, जिन्होंने मनीषा रानी के बारे में बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया, उसमें कितनी सच्चाई है आप उसके बारे में? 100% सच्चाई है। देखिए, वो बंदी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मनीषा रानी के साथ उसने रूम शेयर किया है, साथ रहे हैं ये लोग, तो उससे ज़्यादा रियलिटी तो कोई नहीं जान सकता है। फिर उसने मुझसे भी कहा कि आप मेरे सपोर्ट में आइए, मुझे हेल्प करिए, तो मैं तो जब भी कुछ गलत होता है उसके लिए आता हूँ। और ऐसा बिग बॉस के साथ मेरा नाता बहुत सालों से लगा हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं तो मेरा सामना हो ही जाता है। अभी भी मैं दुनिया के सामने मनीषा रानी को सच्चाई सामने लेने चाहता हूँ, उनका बिल्कुल सच्चाई खुलासा करने आज मैं सामने आया हूँ कि वो एक बहुत बड़ी झूठी और फेक लड़की जिसका नाम मनीषा रानी है। और कैसे मनीषा रानी बिग बॉस के घर में गई है, उनके खुद के स्टेटमेंट है कि अगर मुझे बिग बॉस के घर में जाना पड़े तो मैं कुछ किसी के साथ भी सो सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। कपिल शर्मा शो में जाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है मैं आपको क्या बताऊँ, सारी चीज़ें अभी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सो मैं ये सब सच बताना चाहता हूँ, वो सब गलत कर रही हैं। और जो उन्होंने मेरे ऊपर केस फाइल करा है मनीषा रानी के लॉयर ने, मैं बताना चाहता हूँ सबको आज नेशनल चैनल पर भी कि अगर फैज़ान अंसारी किसी प्रॉब्लम में आएगा तो फैज़ान अंसारी अकेला जेल नहीं जाएगा, मनीषा रानी को साथ लेके जेल जाएगा। सो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं, अगर मेरे अगेंस्ट अभी जल्दी लीगल एक्शन होता है
तो मैं मनीषा रानी को साथ जेल लेके ही जाऊंगा, अकेले जेल नहीं जाऊंगा मैं, और इमीजिएटली उनको बिग बॉस के घर से वापस बाहर आना पड़ेगा। ऐसे कुछ प्रूफ मेरे पास हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको सब बताता हूँ। सर हम जानना चाहेंगे जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं वो प्रूफ आप दिखाएं मीडिया को और जो आपके फैंस जी इतना देखिए, जितना भी मनीषा रानी बोलती हैं वो सब झूठ बोलती हैं, अभी सबको सच्चाई आ रही है सामने। अगर आप गूगल करेंगी या यूट्यूब पे देखेंगी तो सब लोगों को पता लगता जा रहा है कि अभी वो फेक है, कभी इनसे अफेयर कर रही है, कभी उनसे दूसरे किसी की लड़की के बॉयफ्रेंड छीनना, रियलिटी में उनके साथ उन्होंने ये सब किया एक्चुअली लोगों के, और इतना एटीट्यूड उनके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मनीषा रानी को फॉलो कर रहे हैं उनके फैंस हैं वो सब बहुत झूठी लड़की है मनीषा रानी, अपने सबको झूठ बता रही है वो, उसने एक भी आज तक कुछ सच बोला नहीं है, झूठ बोल बोल के वो बिग बॉस के घर में गई है, वहाँ भी सबको झूठ बोल रही है। तो मैं जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ लोगों को कि मनीषा रानी में इतना ज़्यादा एटीट्यूड है कि किसी सुपरस्टार में भी नहीं होगा। मैं आपको सुनाता हूँ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, आपको खुद आइडिया हो जाएगा इसमें। ये आप देख सकती हैं, मैंने अभी जो कॉल रिकॉर्डिंग मनीषा रानी की रिवील करी है सबके सामने, जो अभी तक किसी के सामने आई नहीं थी, कि किस तरह की वो लड़की है, उसमें कितना एटीट्यूड है, और सब वो अंदर भी झूठ बोल रही, जबकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, उसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे रियल रहना है, और मनीषा रानी पूरी फेक है। मैंने आपको अभी इनका इसलिए पोस्टर भी दिखाया कि जो लोग अनजाने जिनके आँखों पर पट्टी बनी है मनीषा रानी के बारे में, उन दुनिया के सामने सच आना चाहिए। सर जिस तरह मनीषा रानी बिग बॉस में खेल रही हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं, इवन सलमान खान बहुत सपोर्ट में हैं उनके, तो जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप सलमान खान के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? नहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए सलमान सर तो उस शो को होस्ट कर रहे हैं, जो उनको दिख रहा है, जो दुनिया को दिख रही है वो वैसा बता रहा है सब लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसकी सच्चाई मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब लोगों का नज़रिया मनीषा रानी को देखने का बदलना चाहिए, बिग बॉस को लोगों का नज़रिया देखने का बदलना चाहिए, और जो लोग अंदर घर के अंदर हैं वो भी मनीषा रानी को पहचान नहीं पा रहा है, मुझे उसके भी बड़ी हैरानी होती है। इसलिए मैं लोगों को सच्चाई बताने के लिए आज सामने आया हूँ, जिसको मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग में दिखाया कि वो बहुत ही उनमें एटीट्यूड है। मनीषा रानी को अपना नेचर बदलना पड़ेगा और अपना रियलिटी बताना पड़ेगी लोगों का, अगर वो बता देंगी तो शायद उनके और उनसे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ईजी हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं करेंगी मुझे लग रहा है।